बॉलीवुड में कई ऐसे रिश्ते हैं जो कब बनते हैं और कब टूट जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। ऐसा ही एक रिश्ता था मिथुन चक्रवर्ती और हेलेना ल्यूक का। बहुत कम लोग जानते हैं कि मिथुन ने योगिता बाली से शादी करने से पहले हेलेना से छुपकर शादी कर ली थी। सारिका से ब्रेकअप के बाद मिथुन अकेले हो गए थे। फिर उनकी मुलाकात हेलेना से हुई और पहली नजर में ही मिथुन को हेलेना से प्यार हो गया। दोनों साथ में समय बिताने लगे। फिर कई मुलाकातों के बाद बिना किसी को बताए 1979 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन अफसोस के दोनों की शादी सिर्फ 4 महीने ही चली। उस समय हेलेना की उम्र 21 साल थी और मिथुन भी फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद मिथुन का दिल अब योगिता बाली पर आ गया था। इस वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। साथ ही मिथुन हेलेना पर उनके एक्स बॉयफ्रेंड जावेद खान को लेकर काफी टॉन्ट करने लगे। एक इंटरव्यू के दौरान हेलेना ने बताया कि पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे ही मिथुन घर पे रहते थे। मीडिया में मिथुन और योगिता के अफेयर की बात आने से हेलेना को काफी धक्का लगा था। शादी के बाद हेलेना काफी परेशान हो गई थी। फिर 1980 में हेलेना ने मिथुन से शादी की बात मीडिया के सामने रख दी। हालांकि मिथुन ने इस शादी से इनकार नहीं किया, लेकिन जल्द ही दोनों ने तलाक ले लिया। उनके अलग होने की खबरें सामने आ गई। कहा जाता है कि फिल्मों में असफल होने के बाद हेलेना अब न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई हैं और वहां एक एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट का काम करती हैं।